नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो हम तो पूछेंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी एक बार फिर सुर्खियों में है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के बाद उन्होंने देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम को अपना निशाना बनाया है। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन इस बार उन्हें वित्त मंत्री अरुण जेटली से कड़ी टक्कर मिल रही है। जेटली अरविंद के बचाव में लगे हुए हैं। उन्होंने स्वामी के तमाम आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। सवाल ये कि आखिर तमाम आलोचनाओं के बावजूद स्वामी किस शाह पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? क्या आने वाले दिन उनके और वित्त मंत्री जेटली के बीच टकराव वाले होंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिस पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले एक घंटे बड़ी बहस, स्वामी का स्वामी कौन? आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के बाद अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर हैं देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, और इसे लेकर देश के वित्त मंत्री और स्वामी के बीच वार पलटवार भी चल रहा है। स्वामी का आरोप है कि देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद ने 2013 में अमेरिकी कांग्रेस को भारत पर लगाम लगाने की सलाह दी। यही नहीं, स्वामी का ये भी आरोप है कि अरविंद ही है जो कांग्रेस को जीएसटी बिल रोकने को कह रहे हैं। इन्होंने जो किया, उन्होंने जो बयान दिया वो अमेरिका को यूएस कांग्रेस को कहा था कि हिंदुस्तान की कमर तोड़ना चाहिए, तभी व्यापार में हमें, और ख़ास तौर पर वो ड्रग का, वो फाइजर कंपनी का रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते थे, तो उनकी वकालत कर रहा था। डिसिप्लिन ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस टू व्हाट एक्सटेंट should we attack those, the discipline and constraints of whose offices prevent them from responding. अब जेटली क्या बोले नहीं बोले इससे मुझे क्या लेना देना नहीं है। मुझे पार्टी के अध्यक्ष से मैं बात कर सकता हूँ, प्रधानमंत्री से बात कर सकता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी। अभी तो कोई जरूरत नहीं पड़ी ना, हमारी बात कह दी मैंने। तो स्वामी अब वित्त मंत्री अरुण जेटली की भी नहीं सुन रहे हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के बचाव में अरुण जेटली को बार बार सामने आना पड़ रहा है। शुक्रवार शाम भी वित्त मंत्री ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, वित्त मंत्रालय के एक अनुशासित नौकरशाह पर गलत और बेबुनियाद हमला किया जा रहा है। वित्त मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन स्वामी का हौसला बुलंद है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को लेकर उन्हें जो सफलता मिली है वो उसे दोहराना चाहते हैं। वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 27 लोगों की लिस्ट है जिसे वो बारी बारी से ठीक करेंगे, यानी वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनके नौकरशाहों के लिए वो रोज बरोज नई मुसीबतें खड़ी करते रहेंगे। हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, हर व्यक्ति की एक राय होती है, लेकिन सरकार अपने हिसाब से काम करती है। स्वामी जी मिसगाइडेड मिसाइल है, कहां किस पर वार हो जाएगा, उनको भस्मासुर भी लोग कहते हैं, वो टारगेट कर रहे हैं जेटली साहब को। आज की तारीख में वित्त मंत्री कौन है, श्री अरुण जेटली जी या सुब्रमण्यम स्वामी जी? जिस तरह वो जो लिख देते हैं वही सच साबित हो जाता है। हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को अदालत की दर तक खींच ले जाने का तोहफा स्वामी को राज्यसभा सांसद के तौर पर मिला। अगस्ता वेस्टलैंड केस में भी उन्होंने कांग्रेस को मुश्किल में डाला। संघ के दिल के करीब राम मंदिर मुद्दे को भी वो जोर शोर से उछाल रहे हैं। इस साल दिसंबर तक मंदिर के काम की शुरुआत का दावा तक कर रहे हैं, लेकिन अब वो अपनी ही सरकार के खिलाफ तीर छोड़ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर स्वामी की लगाम किसके हाथ में है, आखिर उन्हें किसकी शह मिल रही है? हम तो पूछेंगे, क्या सुब्रमण्यम स्वामी केंद्र सरकार के लिए सिर दर्द बन गए हैं? शुरुआत करने से पहले एक बार सवाल को फिर से देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल यह कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी केंद्र सरकार के लिए सिरदर्द बन गए हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो एसटीपी स्पेस देकर वाई लिखें, अगर आपका जवाब नहीं है तो एसटीपी स्पेस लिखें, एन लिखें, और अपनी राय हमें 51818 पर भेज दें। ट्विटर पर रहे आप हैं तो आप अपनी राय #HSTP और #संकटस्वामी के जरिए दे सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर पेज पर हैं तो IBN खबर के फेसबुक पर जाएं और ट्विटर पेज पर भी आप शेयर कर सकते हैं आप अपनी राय। हम अपने शो में आपकी राय को शरीक करेंगे।
शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस मुद्दे पर जो चर्चा के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं उनसे तारुफ करा दें आपको। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता और महासचिव के सी त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री डॉक्टर अजय दुआ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, संघ मामलों के जानकार प्रोफेसर अभिनीतेश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। सबसे पहले संबित साहब आपसे ही जानना चाहेंगे, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा सवाल ये कि आखिर मुद्दा ये है कि स्वामी साहब को जहां से जो ताकत मिल रही है वो उन्हें रोक नहीं पा रही है या फिर वो कह रही है कि नहीं भाई जो बोलना है बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। संबित साहब देखिए, प्रतीक जी आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हमारे एक सांसद स्वामी जी ने कुछ विषयों पे बेबाकी से अपने विषय को रखा है, अपने मन को रखा है। पार्टी अर्थात भारतीय जनता पार्टी और सरकार उन पक्षों से सहमत नहीं है, इसलिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी ने कहा ये स्वामी जी के व्यक्तिगत विचार हैं, हम उससे सहमत नहीं है। और जहां तक सरकार का संबंध है, दो मंत्री, एक तो वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने और खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वेंकैया नायडू जी ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा कि ये उनके व्यक्तिगत विचार है, वो स्वतंत्र हैं, रख सकते हैं, मगर सरकार इससे सहमत नहीं है। सरकार अरविंद सुब्रमण्यम के जो एडवाइजेज है उसे इंसाइटफुल और उसे उसको अप्रिशिएट करती है। तो स्वाभाविक रूप से सिर्फ इतना ही है कि किसी ने अपने व्यक्तिगत पटल पर कुछ टिप्पणी की है सरकार। हाँ, इतना बड़ा अगर पार्टी का हृदय है तब तो निश्चित तौर से अगर लगता है तब तो फिर स्वागत योग्य है, फिर तो कोई बात नहीं, अगर इंटरनल डेमोक्रेसी है। और आप ये सोचिए अगर कोई कह रहा है, अब अपोजिशन कह रहा है मिसगाइडेड मिसाइल है, अपना ही नुकसान करते जा रहे हैं, लगातार पार्टी निशाने पर है, आपके आपके वित्त मंत्रालय निशाने पर है, वित्त मंत्री को निशा, लोग पूछ रहे हैं कि वित्त मंत्रालय चला कौन रहा है। समित बात साहब बात गंभीरता वाली है, मैं इसके गंभीरता पर जवाब देता हूं। देखिए, सेंटर ऑफ द डिस्कशन इज इकोनॉमी, ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो पूरा डिबेट है, उसके सेंटर में केंद्र में कोई है तो वो भारत की अर्थनीति है। और यहां बैठे सभी लोग इससे सहमत होंगे और प्रतीक जी आप भी सहमत होंगे कि जब पूरे विश्व की इकोनॉमी एक तरह से गर्त में जा रही है, उस समय हमारे प्रधानमंत्री के दूरदर्शिता के कारण, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके काम के कारण, बाकी सभी मंत्रियों के कलेक्टिवली एफर्ट के कारण हिंदुस्तान की इकोनॉमी इज मार्चिंग अहेड, वो आगे बढ़ रही है। तो जब इकोनॉमी ही सेंटर ऑफ डिस्कशन है और इकोनॉमी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है तो जो माइनर डिबेट है कौन अपने मन की बात रखता है, ठीक है डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये माइनर डिबेट है। माइनर डिबेट कभी मेजर अचीवमेंट्स के ऊपर शैडो कर जाए, उसके ऊपर एक ग्रहण लगा जाए, ये उचित नहीं है। इसलिए मैं आज बड़ी परिपक्वता के साथ कहूंगा विपक्षी के जो लीडर है हमारे विपक्षी पार्टी के, चाहे केसी त्यागी जी हो या अन्य हो, बड़े सम्मानित लोग हैं, वो अपना विषय रखेंगे, मगर उनके द्वारा बिछाए हुए ट्रैप में मुझे नहीं फंसना है। मुझे यहाँ एक घंटे में सरकार के अचीवमेंट्स के बारे में बताना है कि जहां दुनिया की इकोनॉमी पीछे हो रही है, हम 7.6 से 7.9 के बीच त्यागी साहब हंस रहे हैं। त्यागी साहब हंस रहे हैं। मैं त्यागी साहब के पास जाना चाहूंगा, फिर मैं अखिलेश जी के पास आता हूँ। त्यागी साहब मैं जानना चाहता हूँ असल निशाने पे कौन है, आप मुस्कुरा रहे हैं हंस रहे हैं, इसका पीछे कोई ना कुछ तो सबब है, क्या कारण है? जब वो बता रहे हैं कह रहे सरकार की का उल्लेखनीय कार्य रहा है तो हम वो बताएंगे। मेरे नौजवान काबिल मित्र संबित पात्रा जी ने अपनी सरकार का पार्टी का पक्ष रखा है। मैं उन लोगों में से हूं जो संबित पात्रा जी की भी और अखिलेश जी की भी, दोनों सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं और दोनों विद्वान पढ़े लिखे इकोनॉमिक्स के जानकार हैं, मेरे पास सरकार के और यूएनडीपी के दोनों के आंकड़े हैं और दोनों मेरे मित्र जानते हैं कि ऐसे चैनलों पे कोई झूठ या गलत बयान नहीं की जाती। इन नई आर्थिक नीतियों से समृद्धि के कुछ टापू बने हैं, कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन सहारा का जो रिजल्ट है उससे भी बुरी हालत में हिंदुस्तान की जो जनता है उसका एक बड़ा हिस्सा रहता है। कई यूएनडीपी के मामलों ने जो कहा है, हम बांग्लादेश और नेपाल से भी गए गुजरे हैं, तो जो समृद्धि के टापू हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समृद्धि जी, वो दुनिया भर को दिख रहे हैं। और जो नई आर्थिक नीतियां हैं, मैं तो उसी से डिसएग्री करता हूं जो जवाहरलाल नेहरू की नीतियां थी, जो 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 नियोजन और जो अंतिम आदमी की पीड़ा दीनदयाल उपाध्याय की थी,
वो ना कांग्रेस की आर्थिक नीतियों में आज झलकती है, ना भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आज झलकती है। अपने अपने तरीके से उसको भाषित करने का काम आप लोग करते हैं जी। जिन चीजों को लेकर के 3 बार भारत बंद हुआ वो है FDI को लेकर के। हम NDA में समित जी की पार्टी और हम साथ साथ थे। मैं आदरणीय अडवाणी जी के साथ इस सवाल को लेकर के मार्च में शामिल था। आज वो कैसे अच्छा हो गया? मुझे प्रधानमंत्री का कोट भी मेरे पास है जिसमें उन्होंने कहा था सरप्राइज्ड व्हाट प्रधानमंत्री जी इज डूइंग FDI इन रिटेल विद हार्म शॉपकीपर्स मैन्युफैक्चर सेक्टर एंड क्रिएट जॉब लेसनेस श्री नरेंद्र मोदी। वो सारी चीजें आज अचानक कैसे अच्छी होगी? नंबर वन। नंबर दो, हमारे 40-42 साल पुराने मित्र हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। वित्त मंत्री बनने की उनकी अभिलाषा और इच्छा है, वो कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति में होनी चाहिए। जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे तब यशवंत सिन्हा जी को वित्त मंत्री बना दिया था और वो सरकार भी चली गई थी जी, जी, उसके जी। बाद जब जयललिता के साथ श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी उस समय भी उनको मौका नहीं मिला। अरुण जेटली जी और उनका विवाद वित्त मंत्री पद को भी लेकर के मैं इसमें किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता, लेकिन सरकारी अफसरों पर जो जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं उनके विरुद्ध विश्वमन करना, उनका चरित्र हनन करना, उनको काम से रोकना, ये किसी भी उत्तरदायी सरकार के लिए उचित नहीं है। जी 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 त्यागी साहब, कुछ देर पहले संबित साहब बोल रहे थे जी, अखिलेश जी कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि आर्थिक नीति जो है वो महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए व्यक्ति के बारे में क्या कहा जा रहा है, कौन कह रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है। मेन चीज ये है कि आर्थिक समृद्धि या आर्थिक मैप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है अखिलेश जी, निशाने पे असल में कौन है? सवाल ये है कि वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर या कौन है निशाने पर? जी अखिलेश जी, क्या सबसे पहले बात ये है कि आर्थिक जो जिसकी स्वयं अपने आत्म प्रशंसा की है संबित पात्र ने, वो सरासर झूठ बोला है, गलत बयानी की है। हमासी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्स लगा करके थोड़े से अच्छे हैं, लेकिन क्या हमारा इंटरनल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कहाँ धरातल में पहुंच गया है? हमारा हम इसमें बहुत बार हम कह चुके हैं, एक्सपोर्ट से लगाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से लगाए, जॉब क्रिएशन से लगाए, सब धरातल पे है। लेकिन इनको क्या है कि सब अच्छा अच्छा दिखता रहे, धरातल पर सबको पता है क्या हो रहा है। देखिए ये बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप क्या लगे हैं कि एक व्यक्ति जो अमेरिका से यह कह रहा है कि भारत की कमर तोड़ दो, उसको माननीय मोदी जी अपना भारत सरकार का एडवाइजर रखते हैं और वो कंटिन्यू कर रहा है, तो इसका मतलब कि जो एंटी इंडियन फीलिंग या सोच या योजना रखता है, जो प्रो अमेरिकन रखता है, जो अमेरिका को बता रहा है, वो इस देश का इकोनॉमिक एडवाइजर है, ये कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। इससे बड़ा आरोप तो को नहीं लग सकता है। और ऐसे व्यक्ति को BJP अपना एडवाइजर बना रखी है, तो अब इसका जवाब तो मोदी जी को देना होगा कि एंटी नेशनल को जो सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं, अरे ये रखे हुए तो हैं, ये रखे हुए तो हैं, ये तो आरोप लगा रहे हैं। त्यागी साहब आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, समीर साहब बहुत, समीर साहब रिएक्ट करना चाहते हैं, ये रखे हुए हैं, समीर साहब रिएक्ट करना चाहते हैं। ये अब भाई हमारे सरकार में थे या नहीं, मैं उत्तर दे दूं अखिलेश जी शांत हो जाएं तो। आज की तारीख में पिछले 2 वर्षों से जिसकी सरकार है उसके लिए BJP के ही सबसे ब्लू बॉय जिसको बोलते हैं प्रिय ने आगे बने को वो का आरोप ये लगा रहे हैं जी। मैं त्यागी साहब आ रहा हूँ, जी जी आ रहा हूँ, त्यागी साहब रिएक्ट करना चाहते हैं जी। जो ये तो उनको देना पड़ेगा और ये कह रहे हैं वो, ये कोई हम नहीं कह रहे हैं या त्यागी जी नहीं कह रहे हैं या प्रतीक जी आप नहीं कह रहे हैं, तो ये अभी कहाँ पूरा हुआ है? ठीक है, अब मैं उत्तर दे, अभी तो मैंने सिर्फ स्वामी जी की बात बताई है, मैं उत्तर दे देता हूँ, सुन लीजिए, अभी दे दीजिएगा और मैं कह दूँ तो एक ही बार उत्तर दे दीजिएगा। अच्छा, पूरा 1 घंटे आप ही बोलते रहिए, क्या करना भाई, उन्हें उत्तर देना है। छोटे छोटे ऐसा करिए कमलेश जी, छोटे छोटे सवाल करिए, छोटे छोटे उत्तर ले लीजिए, ये निर्णय, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे उत्तर। अच्छा चलिए, ये उत्तर ले दे दें फिर मैं जवाब, फिर मैं सवाल करता हूँ, ये उत्तर दे दें फिर मैं सवाल करता हूँ। चलिए देखिए, पहली बात तो है कि इन्होंने कहा कि देशद्रोही लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने अपने टीम में रखा हुआ है,
ये बहुत बड़ी बात आज कांग्रेस ने कही है। कांग्रेस अगर जानती थी कि राजन हो या बाकी लोग हो वो देशद्रोही हैं तो देशद्रोहियों को अपने यहाँ स्थान क्यों दिया हुआ था? ये बार बार कहते हैं कि मोदी सरकार डिक्टेटोरियल है, ये इंटॉलरेंट सरकार है, किसी को टॉलरेट नहीं करती है। इससे बड़ा टॉलरेंस का उदाहरण क्या है? ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई था तो उसको हमेशा मोदी जी हटा देते हैं। मोदी जी बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं, वो टैलेंट को स्थान देते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। तो दोनों डिबेट एक साथ नहीं चल सकता कि आप मोदी जी को डिक्टेटोरियल और इंटॉलरेंट कह दे और फिर कहे कि ये टॉलरेंट कैसे हो गए हैं। दूसरी बड़ी बात मैं कंप्लीट कर लूं, सुनने कंप्लीट कर लूं, हाँ जवाब दे दीजिएगा। अभी दो तीन बातें और भी केसी त्यागी जी ने कहा, मैं केसी त्यागी जी के उस बात से सहमत नहीं हूं कि हम नेपाल से और बांग्लादेश से गए गुजरे हैं। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान नेपाल से और बांग्लादेश से इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज, डेमोग्राफी वाइज बहुत आगे है। हम बिल्कुल नेपाल से गए गुजरे नहीं हैं। चौथी और बड़ी बात है, देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो चाहे इंडिया की इकोनॉमी हो, इसमें इंडिया का छोड़ दीजिए, वो IMF, वर्ल्ड बैंक ये कह रहे हैं कि इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। आज पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था में इंडिया सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा है। तो क्या ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं और केवल अखिलेश जी सच बोल रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। और किसने ये काम किया? ब्राइटेस्ट स्टार बनाने का काम मोदी जी ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया। ऑफकोर्स त्यागी साहब बोलना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ कमलेश जी। प्रतीक जी अपनी राज्यसभा की जो मेरी स्पीच है उसकी दो सिर्फ दो लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, जिसको वित्त मंत्री ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। भारत की स्थिति सारा डिजर्ट के मुल्कों से भी ज्यादा बुरी है, लेकिन चमकते दाम चमकता भारत अलग है। 20 करोड़ लोगों की हालत सहारा डिजर्ट के लोगों से बुरी है। इंडिया के अंदर 45% कम उम्र के बच्चे के वजन स्टैंडर्ड से कम है। 80% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, लेकिन वो NPA वालों के बच्चे नहीं है। 80% बच्चों में खून की कमी है, ये NPA वालों के बच्चे नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि 93% भारतीय अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, देहातों में बेरोजगारी पहले के मुकाबले 20% ज्यादा बढ़ गई है। सर ये UNDP की रिपोर्ट है, आंकड़े हैं। 96 करोड़ लोग 20 रुपए से भी कम में गुजारा करते हैं। ये मैं पार्लियामेंट में बोला है वित्त मंत्री के सामने। तो चमकता भारत है, उदयमान भारत है, लेकिन एक हिंदुस्तान का ये अखिलेश जी, इसको भी आपको और हमें मिलकर के एड्रेस करना जी। अखिलेश जी बहुत शॉर्ट में देखिए, प्रतीक जी हाँ एक सेकेंड में कहूंगा। प्रतीक जी अभी संबित ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रद्रोही है, मैंने कह रहा हूं, ये उनके सांसद स्वामी लगा रहे हैं आरोप। जी जी बिल्कुल सही, सांसद कह रहे हैं, उनके बड़े नेता हैं जी, उनके वो कह रहे हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? ऐसे लोगों को जो उन्हीं के पार्टी के लोग इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं अपने पार्टी के ऊपर, ये आरोप उस व्यक्ति पे नहीं है। जी जी अखिलेश जी मौजूद है, उनको बना प्रोफेसर साहब मौजूद है, जो उसको प्रोफेसर साहब मैं जानना चाहता हूँ जो काम जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं वही सवाल रख रहा हूँ। तो ये जानना चाहता हूँ, जब NDA 1 थी उस जमाने में जो काम VHP, स्वदेशी जागरण मंच, ये तमाम संगठन बोला करते थे, वो अकेले काम सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं? नो से पूछ रहे हैं आप? जी जी साहब आप ही से पूछा। नहीं नहीं मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप मुझे संघ की दृष्टि से बोलना है, लेकिन एक बात साफ है कि मुझे लगता है BJP से ज्यादा कंफ्यूजन विपक्षी पार्टियों में कि वो सुब्रमण्यम स्वामी का साथ दें या जेटली का साथ दें। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अगर जेटली साहब का साथ देते हैं तो वो सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं। नहीं ये सुब्रमण्यम स्वामी के साथ महत्वपूर्ण है, नहीं नहीं बड़े मजेदार बात है, कंफ्यूजन जो प्रॉब्लम है स्वामी ने, जो प्रॉब्लम कही है, प्रॉब्लम विपक्षी पार्टियों की ज्यादा है। अभी अभी आप ये है कि जो बात कही है वो महत्वपूर्ण है या नहीं है, मैं जानना चाहता हूं। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं कि विपक्षी पार्टियों में अभी दो पार्टियों के प्रवक्ता आपके सामने बैठे हैं, अखिलेश जी और केसी त्यागी साहब, दोनों के विचार अलग अलग नजर आए कि वो उनका साथ दें या ना दें। ये प्रॉब्लम उन लोगों की है कि वो किसका साथ दें, क्योंकि किसी का भी साथ देते हैं तो प्रॉब्लम अल्टीमेटली उनके ऊपर आती है। साथ देने का मामला नहीं है, ये आप पे आरोप है, कटघरे में आप आ रहे हैं, हमारे साथ देने का अखिलेश जी, अखिलेश जी कटघरे में अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, मतलब अखिलेश जी, या तो आरोप को आप सही मानेंगे, अगर आप आरोप को सही मानते हैं कि देश विरोधी था तो आपने क्यों रखा, उसका जवाब आपसे चाहिए होगा हमें, और अगर आप आरोप को सही नहीं मानते
अरे तो भाई हमारे समय किसी ने नहीं लगाया, तो बात ही नहीं है। आपके समय लग रहा है, आप समय में आप इस आरोप को सही मानते हैं? हमारे समय में नहीं किसी ने लगाया। आप सुब्रमण्यम आप स्वामी जी के इस आरोप को सही मानते हैं? सुनिए सुनिए, आप स्वामी जी के इस आरोप को सही मानते हैं? सुनिए जनाब, आप सुनिए ना, आप हमारी कोई बात का भी जवाब दीजिए ना। अगर हाँ बता रहा हूँ, हाँ आप ऐसा सवाल होगा, स्वामी जी के आरोप को सत्य मानते हैं आप? जवाब दे रहा हूँ, स्वामी जी के आरोप बताइए, जवाब ले लीजिए जवाब। अरे आठ बार हो गया, जवाब ले लीजिए। हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, आपका पार्टी आपके अंदर आपके विरोध कर रहा है, देश का मसला है ये, या आपने अपॉइंट किए हुए थे सब? इसके पहले ये देश का मसला है, इसमें आप बोलेंगे ना, ये पार्टी का मसला है। अरे आरोप लगाया उन्होंने, ये नहीं कहा कि कांग्रेस के नीतियों का, उन्होंने कहा है कि देश विरोधी काम करते थे और आपने कहा कि वो आरोप लगाए हैं, आरोप लग रहा है, अपॉइंट आपने किए थे, तो जवाब तो आपका बनता है ना, जवाबदेही बनती है। आप कहिए कि आप ये बात कहिए ना, आप ये बात कहिए ना, आप ये बात कहिए ना, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए भाई। आप बोल रहे हैं, आप मैं बोलूं, एक ही बोले, बोलिए ना, बोलिए बोलिए, एक ही बोले, हाँ तो बोलिए ना, आप तय कर ले, आप बोलना, हाँ तो सुन लीजिए। देखिए देखिए, ये आरोप माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी मोदी जी की सरकार पे लगा रहे हैं, पहली बार लगा रहे हैं आप मोदी जी की सरकार पे नहीं, उन्होंने किसी एक अधिकारी पे लगाया है, जिम्मेदारी आपकी है, एक अधिकारी पे लगाया उन्होंने जो कांग्रेस द्वारा अपॉइंट किया हुआ था, अरे जो कांग्रेस के समय था, बदला नहीं गया, अभी बदला नहीं गया। जी के कहने पर ही आडवाणी जी को इस प्रकार गाली देते थे पहले, हाथ जोड़ के आपके चैनल पे माफी मांगने की मेरे से गलती हो गई, सोनिया जी के कहने पर मैं ये सब झूठी बात करता था, और वो सच्चे अच्छे और अच्छे लोग हैं, उनको हम लोग बेकार का मलाइन कर रहे थे। अखिलेश जी माफी मांग लीजिए प्लीज, मांगिए अखिलेश जी से बाद में। एक रिमोट कंट्रोल वाली छोटी सी टिप्पणी है, कई बार रिमोट की बैटरी गड़बड़ा जाती है तो फिर हाथ से स्विच जो है बदलना पड़ता है टेलीविजन का, तो ये भी स्थिति आ जाती है। पहले माफी मांग लेते फिर रिमोट कंट्रोल। नहीं नहीं, आपने कहा कि रिमोट कंट्रोल कहते हैं, तो कई बार रिमोट की बैटरी जब डाउन हो जाती है तो हाथ से जाकर स्विच को जो है करना पड़ता है टीवी। प्रतीक जी 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 अखिलेश जी, प्रतीक जी नहीं नहीं, आज बीजेपी का चरित्र क्या है वो मैं चित्रण कर रहा था। नहीं 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 अखिलेश जी जवाब दीजिए, अधिकारी बिहार में देख लीजिए कैसे लोग, नहीं नहीं मुद्दे पे अखिलेश जी मुद्दे पे जवाब दीजिए, है आपके पास? हाँ क्या जवाब दे, बड़ा चरित्र कैसा है, थर्मामीटर डाल के देख लेते हैं। हाँ मुद्दे पे जवाब दे रहा हूँ, यही चरित्र हो गया ना, माफी मांगेंगे आडवाणी जी को, इतने साल तक आपने आडवाणी जी को सही कहा कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सज्जन व्यक्ति हैं, इतने दिनों तक आप उनके ऊपर गाली क्यों दे रहे थे, माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं एकदम एकदम? क्योंकि उनकी तुलना में कैसे लोग अब आ गए हैं, क्यों नहीं उनकी तुलना में बालियान जी है, मोदी जी है, अमित शाह जी हैं, और यूपी का गिनाना शुरू करूं, ये लोग कौन लोग हैं? नहीं समाज में किसी से पूछ लीजिए इनकी ख्याति और इनके बारे में पब्लिक ओपिनियन, इनका ये कौन लोग है, इतने दिन तक उनको इस प्रकार गाली क्यों दे रहे थे? सज्जन सज्जन नहीं, उनका मस्जिद में नाम क्यों लिया, किसी को कांग्रेसी गाली नहीं देते हैं। आज हाथ जोड़ के माफी मांगिए, वो कानून काम करता है, ये कानून काम कर रहा है जन, समझे जनाब, ये कानून का काम है, आज भी वो बरी नहीं है और दूध का धूल नहीं है, कंपैरिजन हो रहा है दोनों लोगों का, कल कितने लोग थे, आज कितने लोग हैं, किस लेवल पे कल के लोग थे, आज किस लोग के लोग हैं, न्यूज में कि आडवाणी जी के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें कही है कांग्रेस ने, दिखाए ये कितने लोग आडवाणी जी के अच्छे के चक्कर मत पड़ो, कोई आडवाणी को अच्छा नहीं कर रहा, तुलना कर की जा रही है, वो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, नहीं पढ़े लोग आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? बन गया क्यों सारे लोग कांग्रेस के, त्यागी जी, त्यागी जी, त्यागी जी सर्टिफिकेट दिया है, मैं कैसी त्यागी जी के साथ जानना चाहता हूँ, कैसी त्यागी जी, अभी विनोद जी ने एक बात कही है, विनोद जी ने यह बात कही कि संघ के वाया एक बात कही जा रही है और जो कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव बना रही है, रिएक्शन आपका कैसी जी? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए में हम लंबे समय तक रहे हैं और आरएसएस भी कई विषयों पर अपनी राय रखता रहा है, जैसे नहीं तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमें काम करने का मौका मिला, सुब्रमण्यम स्वामी के पीछे संघ क्या या संघ संगठनों का कुछ हाथ है या उनकी तरफ से बात हो रही है? आप अगर मुझे आधा मिनट भी बोलने की इजाजत देंगे तो मैं अपनी बात को स्पष्ट करूंगा जी। एफडीआई को लेकर के अटल जी की और मोदी जी की राय और संघ परिवार के जो अनुसांगिक संगठन है उनकी राय में फर्क है। समित जी माने या ना माने, चुके मैं भी खुद पढ़ा लिखा आदमी हूं इसलिए मैं इनसे कहता हूं, जीएम क्रॉप्स को लेकर के
किसान संघ की अलग राय है और भारत सरकार की अलग राय है, राधा मोहन सिंह की अलग राय है और जो डॉक्टर महाजन है उनकी अलग राय है, लेबर रिफॉर्म्स को लेकर के इनकी सरकार की अलग राय है और जो भारतीय मजदूर संघ के लोग हैं जिन्होंने CPM और CPI के साथ मिलकर के राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल के लिए घोषणा की थी उनकी अलग राय है। तो इन सारे सवालों को लेकर के संघ जो है अलग राय रखता है, उसे BJP का डर नहीं लगता है। वो जो संबित पात्रा जी होशियारी से कह रहे हैं कि हम ये कहते थे रिमोट कंट्रोल है, तो है तो संघ का रिमोट कंट्रोल, ये इसमें कहां दो रहा है। लेकिन जब आप गलती करेंगे तो आपके कान भी पकड़ेगा संघ और बताएगा कि ये है। अब जब ये आए थे तो नेहरू गांधी परिवार को गाली देने के लिए लाया गया था, बड़ी साफ बात है। और इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरित्र हनन का पर्चा भी बांटा है, तो लेकिन अटल जी के एरा में, स्वामी जी की एंट्री नहीं हुई है। रिमार्केबल चीज है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अटल अडवाणी एरा की समाप्ति के बाद ही श्री स्वामी जी की भर्ती हुई है। और जब आए स्वामी जी, राज्यसभा के मेरे कोई साथी नहीं है, मैं अब साहब लोगों को बताना चाहता हूं, जिस दिन अगस्ता हेलीकॉप्टर कांड पर वो बोलने वाले थे, भारतीय जनता पार्टी ने गाली दिलाने के लिए, बहस को उत्तेजनात्मक बनाने के लिए श्री स्वामी जी को आगे किया और पूरी BJP थपथपा रही थी। अच्छा, वहां तक सही था। अब ये थोड़ी पता है कि अनगाइडेड मिसाइल है, वहां पर वो काम करेंगे, दूसरे पर काम करेंगे। अब तीसरा सवाल ये है, ये अपने जो संघ परिवार के विद्वान सदस्य बैठे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, वो भी ठीक कह रहे हैं। ये फैसले, ये दोनों अफसर कांग्रेस के टाइम के हैं, कांग्रेस की नीतियों में, आर्थिक नीतियों में और BJP की आर्थिक नीतियों में कोई फर्क नहीं है। ये रीगनवाद है, ये थैचरवाद है, ये नरसिंह राव का वाद है, मनमोहन सिंह वाद है और अब ये मोदी वाद है। अफसर दोनों के एक ही हैं, वही राजन है, वही सुब्रमण्यम है, वही पनगड़िया है, ये जितने भी हैं वर्ल्ड बैंक के पैरोकार हैं सबके सब। अब झगड़ा किस बात का होता है? सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, क्या गलत किया तो कान ऐंठेंगे? मैं इस पे जानना चाहता हूँ, गलत किया, कहीं किया तो कान ऐंठते हैं, तो कान ऐंठने वाली प्रक्रिया में है जो जी प्रतीक जी, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, संघ समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय है, किसानों के क्षेत्र में है, मजदूरों के क्षेत्र में, विद्यार्थियों के क्षेत्र में है। और ये सच है कि संघ को देश के हित में, राष्ट्र के हित में, उसका जो आनुषंगिक संगठन है, मजदूरों के हित की जो बात होगी वो बात कह रहे हैं, संघ करेगा, संग, संग, करेगा ना कह रहे हैं कि नहीं, तो बिल्कुल करेगा ना, संघ क्यों नहीं करेगा? इसमें स्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? नहीं नहीं, इसमें असहमति कहां से किसकी है? ये जो त्यागी जी कह रहे हैं कि संघ की अगर राष्ट्र के हित में कोई बात दिखाई देती है तो संघ वो करेगा ना, तो ये राष्ट्र हित में बात थी। लेकिन लेकिन प्रतीक जी एक बात और, मैं तो इसमें बड़ी राष्ट्र हित की बात होगी तो करेगा ही करेगा। और संघ किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं, एक वहां पर सामूहिक विचार और विमर्श होता है और उसके आधार पर जो ये बात कही गई वो सुविचारित है और विचार के बाद रखी गई है। सुब्रमण्यम स्वामी एक फेस है, मैंने बात कही गई है प्रतीक जी, मैंने क्या कहा जी, संघ में हर बात अपने अपने संगठनों के माध्यम से जिस क्षेत्र में वे कार्य कर रहे हैं वहां पर व्यापक विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया जाता है, एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आज जिस बात को बहुत बड़ा मैग्निफाई करके दिखाया जा रहा है उससे बहुत ज्यादा बड़ी बात तो अखिलेश जी आपके यहाँ प्रणब मुखर्जी और पीछे चिदम्बरम के संदर्भ में थी, जहाँ एक दूसरे की जासूसी करते थे लोग, तभी डिबेट पकड़े गए थे। डिबेट तो हुई थी, तभी ऑफ कोर्स हुई थी, तभी तो सही कर, बिल्कुल डिबेट हुई थी, बिल्कुल समझ लिया, बहुत ज्यादा नहीं डिबेट हुई थी, यहाँ तो ट्रांसपेरेंसी सामने है, वहां तो नहीं नहीं, ये बात नहीं, आप जिस बात को कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वहां तो जासूसी के उपकरण लगाए गए थे। कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, बहुत मंजे हुए राजनेता हैं और 1970 से वो लगातार राजनीति में हैं। समझ जी हैं जी। और सुब्रमण्यम स्वामी जानते हैं कि अपनी ही सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी जो कि सीधे सीधे वित्त मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, कि प्रदेश सरकार के आर्थिक सलाहकार हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना, RBI गवर्नर जिनको सरकार सपोर्ट करती रही उनके खिलाफ आवाज उठाना, वो बिना किसी बैकिंग के नहीं करेंगे। ये विपक्ष में रह के आवाज उठाना, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बोलना नहीं है, सवाल वहीं पे आ गया। मोदी की सरकार है, मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार, स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है, सशक्त प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी जो है हल्के प्राइम मिनिस्टर नहीं। सवाल यही है कि स्वामी जी के स्वामी कौन है, ये वहीं पे जहीं से बात हो सरकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैकिंग तो होगी। अजय जी, डॉक्टर अजय बोलना चाह रहे, मैं आ रहा हूँ समझ आ रहा हूँ, डॉक्टर अजय जी, मुझे लगता है जी कि जो सरकार की आर्थिक नीतियां हैं, सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल बेसिक सवाल था, बहुत छोटा सवाल था कि आखिर किसी सरकारी अफसर पर बात कही गई है तो उस कहने वाला शख्स बहुत महत्वपूर्ण है, विनोद जी कह रहे हैं, तो किसी बैकिंग के नहीं कही गई है, तो
तो सवाल यह है कि कौन है। बिल्कुल उनके बैकिंग के सिवाय ये हो ही नहीं सकता था किसी स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन या स्ट्रांग इंडिविजुअल के। और जैसे कहा जा रहा है हो सकता है कि आरएसएस को ही जो सरकार की आर्थिक वो आर्थिक नीतियों को वो सपोर्ट नहीं कर रहे इस वजह से। हो सकता है जेटली साहब का जो जी समय साहब समय साहब रिएक्शन आरएसएस सपोर्ट नहीं कर रही और सुब्रमण्यम स्वामी साहब को हम लोग इस्तेमाल किया जा रहा है। जी समय साहब बोल लूंगा बोल के जी मैं आ रहा हूं अखिलेश जी आ रहा हूं मैं समय साहब के बाद आ रहा हूं जी समय साहब। अब अजय जी मैं देखिए सवाल ये नहीं है कि स्वामी का स्वामी कौन है जो आप लोग सुबह से पूछ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारत की अर्थनीति विश्व का स्वामी बन पाया है या नहीं। और हाँ भारत की इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था विश्व का स्वामी बन गया है यह सवाल दूसरी बात घुमा देते हैं अर्थव्यवस्था पर बहस नहीं हो रही है बहस हो रही है एक सत्ता अखिलेश जी फिर कहेंगे अखिलेश जी टोकेंगे फिर बोल रहा अखिलेश जी फिर टोकेंगे आपको समझ साहब बिल्कुल अखिलेश जी फिर टोकेंगे आप नहीं मैं इस पे और छोटी सी बात और 10 सेकंड और 10 सेकंड दीजिए मैं पूरा कर लूं 10 सेकंड दीजिए। देखिए अभी केसी त्यागी जी ने एक बड़ी बात कही उन्होंने कहा कि संघ के जो अनुसांगिक वर्ग है भिन्न भिन्न परिवार के जो सदस्य है उनके अलग अलग राय हैं। वो कहते हैं कि स्वदेशी मंच का कोई अलग राय है बाकी मोर्चों का अलग राय है। ये सुंदरता होती है डेमोक्रेसी किसे आप लोग कहते थे कि ये आंतरिक लोकतंत्र हुआ ये कहा गया कि तमाम आरएसएस के संगठन जो हैं एक साल चुप बैठेंगे एक साल वो कुछ नहीं बोलेंगे एक साल वो सरकार की आर्थिक नीतियों पे वो कोई टिप्पणी नहीं देंगे उसके बाद सारा काम स्वामी जी कर रहे हैं। प्रतीक जी समझिए प्रतीक जी सुनिए संघ के आनुषांगिक बॉडी हमेशा अपना विचार रखते हैं अलग अलग राय जैसे अभी केसी जी ने कहा ये विद्वान जन ही रख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि 10 जनपद में राहुल जी कहे कि मूंगफली पेड़ के ऊपर उगता है तो सब लोग कहेंगे हाँ 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 मूंगफली पेड़ के ऊपर ही उगता है जमीन के नीचे नहीं होता है ऐसे नहीं होता है। यहाँ विचार विमर्श करके सब अपनी राय रखते हैं और उसके बाद डिस्कशन करते हैं कि मूंगफली पेड़ के नीचे उगता है या पेड़ के ऊपर उगता है तो ये बात जान लीजिए। दूसरी बात है देखिए केसी त्यागी जी हम सबके सीनियर हैं हम लोगों को बड़ा सम्मान देना चाहिए मगर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के और भाजपा दोनों के जो है आर्थिक नीति एक ही थी। अरे आपकी अलग थी तो आप 17 साल हमारे साथ बैठे फिर आप जाके उनके साथ बैठे हुए हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आपकी नीति कैसी थी जो दूसरों के साथ बैठना था जिनकी आर्थिक नीति को आप आलोचना कर रहे हैं। जी अखिलेश जी प्रतीक जी बहस को मुद्दे और मूल्यों पे हो तो ज्यादा अच्छी होती है लेकिन हर बात में स्तर इतना गिरा देते हैं कि हम मजबूर होकर सठ के साथ सठ जैसा व्यवहार करते हुए ये कहने पे मजबूर हो रहे हैं कि माननीय जसोदा बेन की भी कुछ पीड़ा दूर कर दें उनकी भी आरटीआई के जवाब दे दें ये सरकार ज्यादा बेहतर है। देखिए व्यवहार क्षमा मांगते हुए मुझे करना पड़ रहा है इसलिए कि मूंगफली पेड़ पर उगती बता रहे हैं वो बता रहे हैं राहुल गांधी आपकी लीडर है कि नहीं राहुल गांधी आपके लीडर है कि नहीं आप भला कर दीजिए वो हमारे लीडर नहीं हम नहीं बोलेंगे चलो शुरू करो मैं हाँ खामो सर मैंने नेहरू और लेडी हाउसबेटन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ अपना स्तर बता रहे हो बीजेपी का आपने अपना स्तर बताया सबको देख रहा है आपने अपना स्तर बताया क्योंकि जवाब कोई नहीं है अपना स्तर बताया अखिलेश जी हमने अपना स्तर नहीं बताया मजबूरी में इस बहस में जसोदा बेन कहां से आ गई करना पड़ा नहीं आप बताइए अखिलेश जी प्रतीक जी आप बताइए इनको कि इस बहस में जसोदा बेन कहां से आ गई आप वो बताइए राहुल गांधी सोनिया गांधी कहाँ गए समय से बात करो समीज से बात करो समीज से करो आप पॉइंट बात करो ना मुद्दों पे बात करो तो मुद्दों पे बात करो कार्यक्रमों पे बात करो आरोप क्यों लगाते हो मुद्दे की बात बुरा लगा आपको आप बताइए ना बुरा लगा अरे आप क्यों बुरा लगा आप बताइए दूसरों पे कीचड़ उछालते पे चले जाएंगे मैं जब शुरू करूंगा तो आप छोड़ के चले जाएंगे बता रहा हूँ हाँ बताइए जसोदा बेन कहाँ से आई
अभी बता रहा हूँ, आप बताइए ना जसोदा बेन कहाँ से आई इसमें? आप बताइए इसमें इस बात का जवाब दीजिए ना, इस बहस में जसोदा बेन कहाँ से आई? अखिलेश जी, अखिलेश जी आगे बढ़िए, देखिए मुद्दे, अखिलेश जी मुद्दों पे रहेंगे, मुद्दों पे रहेंगे, अखिलेश जी मुद्दों पे रहेंगे तो एम्बैरेसमेंट नहीं होगा, मुद्दों पे रहने से बातचीत बहस आगे बढ़ती है, एम्बैरेसमेंट नहीं होता। जी आगे बढ़िए, हाँ मैं जवाब दे दे रहा हूँ जी। मैं देखिए प्रतीक जी, मैं सिर्फ हमेशा मुद्दों पे बहस करता हूँ, लेकिन जब आप बिलो द बेल्ट इंडिविजुअल्स जो देश के नेता हैं, हम बीजेपी के लोगों को भी बड़े नेताओं को देश का नेता मानते हैं। अरे राहुल गांधी बिलो द बेल्ट कैसे हो गया, कभी निकाल दीजिए अपनी पार्टी से, फिर वो बिलो द बेल्ट हो जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, उनका नाम नहीं लेंगे, इस तरह के लगाते हैं व्यक्तिगत, किसी भी बड़े नेता पे औथे आरोप लगाते हैं तो आप मैंने क्या आरोप लगाया राहुल गांधी पे, ये बताइए। राहुल गांधी छुट्टी पे नहीं है अभी, हमने तो कुछ नहीं कहा कि छुट्टी पे क्या कर रहे हैं, तो बोलना वो छुट्टी पे है ये कहना भी गुनाह है। और आपकी आप एक महिला को इस प्रकार, आप एक महिला को इस प्रकार से डिबेट में ले आएंगे, अरे धिक्कार है आपके ऊपर। बड़े महिला का पीड़ित नहीं होते हैं भाई साहब, पीड़ित वो होते हैं जिसके घर में राहुल गांधी रहते हैं, हमारे घर में राहुल गांधी नहीं है, पीड़ित नहीं है, चिंता ना करें। आरटीआई रोज 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 अखबार है, टीवी पे आता है, वो उनकी कुछ डिमांड है, आरटीआई से नहीं मिल रहा है, क्यों ये मदद कर रहे हो, बहुत महिला के सपोर्टर बन रहे हो। चलो मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे बात करिए, देखिए देखिए जीएसटी के मामले में, अखिलेश जी जीएसटी के मामले में, जीएसटी के मामले में उनका ट्वीट है, जीएसटी के मामले में उनका ट्वीट है, कांग्रेस के बारे में उनका कहा हुआ बयान है, हम उस पर जानना चाहते हैं, हम उस मुद्दे पर जानना चाहते हैं। जवाब नहीं दिया कि जसोदा बेन इस बहस में कहां से आई, मैं वही कह रहा हूं, मैं नहीं, इसमें सार्वजनिक रूप से, उन्होंने मैं दे रहा हूं कि अखिलेश जी ने बार बार, मैं दे रहा हूं भाई, सुनिए जवाब दे रहा हूं, देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने करके कहना चाहिए कि आपने गलत कहा। अखिलेश जी मुद्दे पे ही बोलेंगे, अखिलेश जी मैंने आपसे पहले कहा कि एम्बैरेसमेंट बचने के लिए आप मुद्दे पे रहेंगे तो मूंगफली पेंट पे उगाते हैं, सोनिया गांधी मूंगफली पेंट पे उगाती हैं, ये सोनिया गांधी मूंगफली पेंट पे उगाती हैं और हम लोग बोलते हैं मूंगफली पेंट पे उग रहा है, कष्ट हुआ है। अरे भैया सोनिया गांधी एक पार्टी की प्रेसिडेंट है, ये जवाब है, अखिलेश जी सोनिया गांधी आपकी पार्टी की प्रेसिडेंट है, आप उनके राजनीतिक पे बात करो, उनके अखिलेश जी वो राजनीतिक व्यक्तित्व है, वो पेड़ पे मूंगफली उगाती है, बहस जो है वो आएगा, उसका नाम आएगा भी है, बहस जो है नाम आएगा, बहस मुद्दे पर नहीं हो रही है, सोनिया गांधी का नाम आते जा रहा है, मुझे लगता है उन मुद्दों की सच्चाई सुनते हुए आप जो है विनोद जी मैं आपके समय पर आ जाने की आपको बताना चाहता हूं, विनोद जी मैं जाए एक राजनीतिक बहस को कोई सरोकार नहीं है, जी उनसे सरोकार नहीं है कोई, मैं मानता हूं विनोद जी आपकी बात का कोई सरोकार नहीं है उस मुद्दे से, उनका नाम से इस पूरी बहस में कोई सरोकार नहीं था। विनोद जी जी बहस हो रही है सुब्रमण्यम स्वामी, अरविंद सुब्रमण्यम देखिए, मुझे लगता है महत्वपूर्ण चीज ये है जिसको देखना चाहिए कि त्यागी जी ने स्पष्ट किया या अवनीश जी भी कर रहे हैं कि संघ परिवार का आर्थिक नीति पर जो नजरिया है वो सरकार के नजरिए से मेल नहीं खाता, और ये नहीं मतलब अलग है ना राय, डिफरेंट संगठनों की अलग अलग राय, आलोचना की एफडीआई की, क्या हुआ? मैंने कहा कि जिस क्षेत्र में जो काम कर रहा है वो विचार रखता है, अपना विचार रखते हैं, लेकिन विचार ऐसा नहीं एक विचार कोई हवा में आते हो, एक थॉट प्रोसेस है, एक विचारधारा की गंगोत्री है, वो गंगोत्री राष्ट्रीय संघ है, वहां से आती है, वहां से विचारधारा आती है, तो उस विचारधारा से उस विचारधारा के आधार पर जो वैचारिक मतभेद है वो कई बार जो है जब सरकार में आप नहीं होते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो वह बड़ा एकात्मकता बन जाती है, और आप तुम तमाम सारे मुद्दों पर सड़क पर उतर आते हैं स्वदेशी को लेकर के, सरकार में आकर जब उसके विपरीत आचरण करते हैं तो संघ के नेतृत्व को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थक वर्ग को जवाब देना मुश्किल होता है, इसलिए उसको एक अपना अलग व्यक्तित्व, अपना एक अलग आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है, और सुब्रमण्यम स्वामी क्योंकि इस वक्त लंबे समय से पिछले कई वर्षों से संघ नेतृत्व के उनकी निकटता और उनका आशीर्वाद उनके साथ है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से उनके साथ उनका एक एकात्मकता है, और वो वही बात कर रहे हैं कि भारत को भारतीय तरीके से चलाया जाए, यानी कहीं ना कहीं वही ध्वनि निकल रही है जो संघ की आर्थिक नीतियों से है। अब ये डिफेंड करने की बात है, ऑफ कोर्स मिनिस्टर ने डिफेंड किया, मैं अर्थशास्त्री जानना चाहता हूं, डॉक्टर अजय हमारे साथ मौजूद है, और खास बात ये है कि डॉक्टर साहब के गुरु हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, जवाने में जरूर हमारे टीचर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बारी आप जब सरकार में हैं, आपकी सरकार में रह के जो सरकार के साथ संबंधित संस्थाएं हो, जैसे हम कह रहे हैं भारतीय अपने संघ हो या दूसरे हो, अगर सरकार के साथ जो संबंधित ग्रुप्स हैं अलग अलग विषय में बोले
तो वो थोड़ा सा उचित नहीं रहता। हम इंटरनल डेमोक्रेसी करके कह के या उसके नाम के नीचे हम ये उसका 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 इंपैक्ट है, उसका इंपैक्ट है, बिल्कुल इंपैक्ट होता है। अगर ऑपोजिशन डेमोक्रेसी होती है तो अपने फोरम पे होती है अपने। जी हां, समय साहब आप समय साहब इसमें इसमें रिएक्ट करना चाहेंगे? इंटरनल ऑफकोर्स समय साहब को दे देता हूं मैं। नहीं प्रतीक जी, एक मिनट इंटरनल रहे, इंटरनल है वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। जी अंदर रहे, अंदर जरूर डेमोक्रेसी रहे, बट उसका असर दूसरी जगह पड़ता है। बिल्कुल, अब मैं यही हुआ है, सरकार कुछ कह रही है, सरकार के साथ जो बिल्कुल बिल्कुल मैं मान आपके सोशल मीडिया में, जब आप सोशल मीडिया में आए और जब आप मीडिया में फोरम में, और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक मिनट, किसके बारे में कहा जा रहा है? सरकारी नौकर जो बोल नहीं सकता, अपना अपनी डिफेंस नहीं कर सकता, नहीं ला सकता, और कोई मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी ये क्रिटिसिज्म गलत है सुब्रमण्यम स्वामी साहब की, पर ये फोरम गलत है, तरीका फोरम फोरम जी समय साहब जी जी विनोद जी समय साहब को फिर जी जी समय साहब ने आपको समझना पड़ेगा ये एक सेकंड अजय जी देखिए अजय जी ने टेक्निकल विषय रखा कि हाँ आप क्रिटिसाइज करिए मगर आप फोरम पे ही करिए। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो दो मेजर फोरम्स हैं, पार्टी एक फोरम है और सरकार एक फोरम है, दोनों फोरम एक साथ अपने विचारों के साथ खड़ी है कि जो अर्थव्यवस्था चल रही है, जो लोग इस अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं वो सुचारू रूप से चला रहे हैं, अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। दोनों ने ये स्पष्ट किया है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट वो उनका व्यक्तिगत ट्वीट है। हाँ, कभी कभी व्यक्तिगत ट्वीट्स होते हैं, व्यक्तिगत विचार भी रखे जाते हैं, इसलिए मैंने आरंभ में कहा छोटे डिबेट्स जो होते हैं, छोटा अर्थात एक ट्वीट का डिबेट हो गया, एक विषय पर उन्होंने अपना मन रख दिया, उस पर जो है मेजर डिबेट्स के ऊपर या मेजर अचीवमेंट्स के ऊपर उसका ग्रहण लगे, ऐसा विपक्षी कोशिश जरूर करेंगे, मगर विपक्षी के इस जाल में हमें नहीं फंसना है, हमें मुस्कुराते रहना है और हिंदुस्तान के लिए अच्छे दिन लाते रहना है। लास्ट 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 प्रतीक जी, दो दो मुद्दे हैं, एक तो जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर है उस पर और इकोनॉमिक पॉलिसी पे। हाँ भाई, इकोनॉमिक एडवाइजर पे बहस हो गई, इकोनॉमिक पॉलिसी पे उन्होंने ट्वीट किया है, वो व्यक्तिगत किसी पे ट्वीट नहीं किए कि व्यक्तिगत उनका मैटर हो जाएगा। अगर वो इकोनॉमिक पॉलिसी पे ट्वीट कर रहे हैं तो व्यक्तिगत ट्वीट नहीं होगा। और ये इसी तरह की बात सोरी साहब भी शुरू किए थे, सिन्हा जी भी कहे थे, जितने बीजेपी के अभी तक के सर्वमान्य इकोनॉमिक के जानकार नेता इनके अतीत में रहे हैं, उन लोगों का यह कहना है कि यह सरकार की इकोनॉमिक ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रही है, देश खराब हो रहा, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। बहुत शुक्रिया अकेले मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। वक्त हो चला कि हमारे दर्शकों की राय दिखाने का। हमने सवाल पूछा था कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी केंद्र सरकार के लिए सिरदर्द बन गए हैं, हजारों की संख्या में मैसेज मिले, हमारे 52% दर्शकों ने कहा हाँ मैं जवाब दिया है, वहीं 48% दर्शकों ने नहीं मैं जवाब दिया है। ट्विटर पर भी हमने यही सवाल सामने रखा था और उस पर भी हमारे साथ तमाम लोगों ने इस बात पे जवाब दिया और हाँ में 37% लोगों ने हाँ मैं जवाब दिया है और 63% लोगों ने इसका जवाब नहीं मैं दिया।